नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के मी साइंस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं जो ट्रिक से जीके, ठीक है, याद करना बहुत आसान हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, जैसे देखिए भारत के यूरोपीय कंपनी का आगमन कब हुआ था, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा ट्रिक है दोस्तों कि जिससे पुत्र अंडा डेड फंसा, ठीक है, पीपू से हो जाएगा आपको पुत्र गाली, जो 1498 में भारत आया था, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखिएगा और से हो जाएगा आपको अंग्रेज, जो 1600 ईस्वी में आया था, और डा से आपका हो जाएगा डी, ड है तो इसके डच हो जाएगा जो 1602 में आया था, और डेड का हो जाएगा आपका जो इसका है तो ये हो जाएगा, ठीक है, डच जो 1602 में आया था, और डेड का हो जाएगा आपको डैनिश जो 1616 ईस्वी में आया था, अब फौज से आपका हो जाएगा फ्रांसीसी जो 1664 ईस्वी में आया था, और सा का हो जाएगा स्वीडिश जो 1731 में आया था, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और बहुत सेकेंडों में आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो है ट्रिक है पुत्र अंडा डैड फंसा, इसी को याद कर लीजिएगा तो आपका कभी नहीं भूल पाएगा, ठीक है, माइंड में सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट, देखिएगा दोस्तों जैसे पूछते हैं शास्त्रीय भाषा कौन कौन है, ठीक है, तो इसका सबसे दोस्तों आसान ट्रिक है शास्त्रीय भाषा का याद करने का, तोता कम संस्कृत बोलकर उड़ गया, ठीक है। तो इसका क्या ट्रिक है, तो तोता कम संस्कृत बोलकर उड़ गया, तो से आपका हो जाएगा तमिल, ठीक है, शास्त्रीय भाषा, ता से हो जाएगा तेलुगु, ठीक है, अब क से हो जाएगा आपको कनक, अब म से हो जाएगा आपको मलयालम, ठीक है, और स से हो जाएगा संस्कृत, और उड़ से हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। तो दोस्तों आप इस ट्रिक को याद कर लेते हैं तो आपको सेकेंडों में याद हो जाएगा, ठीक है, शास्त्रीय भाषा याद आपको सेकेंडों में याद हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से ये भी ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, जो देखिएगा जिसे दोस्तों पूछता है एग्जाम में कि कौन सा देश का मुद्रा और कौन सा रुपया है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सबसे अच्छा ट्रिक आपको हम बता रहे हैं कि कौन कौन से देश रुपया जो रुपया मुद्रा है, ठीक है। तो दोस्तों इसका ट्रिक हो जाएगा मेरे भाई श्री ने मामा से 5 रुपये मांगे, ठीक है। तो दोस्तों इसका ट्रिक बहुत आसान है, आप सेकेंडों में याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों आपको भ हो जी जैसे मेरे है तो आप समझ लीजिए भार, ठीक है, भारत का आपका हो जाएगा रुपया हो जाएगा, ठीक है, और तो देखिएगा ई से आपका हो जाएगा इंडोनेशिया, श्री से हो जाएगा श्रीलंका का भी है रुपये, ठीक है, नेपाल का भी हो जाएगा, और मालदीव का आपको हो जाएगा माँ हो जाएगा ना, माँ से मालदीव, माँ से मारियास, ठीक है, अब पास आपका हो जाएगा पाकिस्तान। ये सब दोस्तों जितना है ये सब रुपया है इस देश का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से ये भी समझ में आ गया होगा इसका ट्रिक, कौन कौन से देश मुद्रा जो है रुपया है। तो इसका ट्रिक हो जाएगा दोस्तों यहीं आप याद कर लीजिएगा, बहुत सहज ट्रिक है, ठीक है। जैसे मेरे मामा श्री ने मामा से 5 रुपये मांगे, कितने रुपये मांगे, 5 रुपये मांगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते हैं कि कौन से देश का कौन सा रुपया है, ठीक है। तो मैम आपका ट्रिक हो जाएगा मेरे मामा श्री ने मामा से 5 रुपये मांगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा और ट्रिक्स जो बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। देखिएगा जैसे किस देश की मुद्रा दिनार है, ठीक है दोस्तों, तो उस इससे पहले हम बताए थे दोस्तों कि रुपया, ठीक है, और मुद्रा दिनार है, ठीक है। तो किस देश की मुद्रा दिनार है, तो आपका बहुत अच्छा ट्रिक है दोस्तों इसका, जैसे कुली जो अब दिनार लेकर इराक गया, ठीक है, तो इसका ट्रिक हो जाएगा आपको कुली से कुबैत, जो कुबैत है
उसका दिनार है, ठीक है, मुद्रा वहाँ के। अली से हो जाएगा लीबिया, लीबिया का आपको मुद्रा हो जाएगा दिनार, ठीक है। और जो से हो जाएगा आपको जॉर्डन, तो यहाँ के मुद्रा क्या हो जाएगा आपको, तो दिनार ही होगा, ठीक है। और से आपका हो जाएगा जो अल्जीरिया का आपको मुद्रा क्या होगा, दिनार ही होगा, ठीक है दोस्तों। और बहुत से आपका हो जाएगा बहरीन, बहरीन का आपका रुपया क्या हो जाएगा, सॉरी मुद्रा होगा दिनार हो जाएगा। और ई से आपको हो जाएगा, ई से आपका हो जाएगा इराक, ठीक है। तो यहाँ का सब मुद्रा क्या होगा, दिनार ही होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से ये भी ट्रिक समझ में आ गया होगा और सेकेंडों में आप याद कर लिए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है दोस्तों, देखिएगा। जैसे मान लीजिए इससे पहले हम दिनार के बारे में बताए थे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है मुद्रा, जो पीसों की मुद्रा चलाने वाला विश्व के देश कौन है, ठीक है। तो मुद्रा चलाने वाला विश्व के देश पीसों का कौन है, तो दोस्तों आपका इसका ट्रिक हो जाएगा उकंगी में कॉफी चार्ट, ठीक है। ऊ से आपका हो जाएगा उरेग्वे, ठीक। कौ से आपका हो जाएगा कोल्बिया। अब गी से हो जाएगा दोस्तों गिनी बिसाउ, ठीक है। अब मे से हो जाएगा आपको मैक्सिको। का से हो जाएगा आपको क्यूबा, ठीक है। अब फी से हो जाएगा आपको फिलीपींस। अच्छा से आपका हो जाएगा चिली। और डॉ से आपका हो जाएगा डोमिनियम, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से ए बी ट्रिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना और शेयर करना, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर देना, जो नीचे लाल है उसी को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी ट्रिक, नया ट्रिक के साथ।